पहला जो हमने टॉपिक कवर किया है वो किया है आर्थिक प्रणालियों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आर्थिक प्रणाली क्या होती है। कोई भी व्यक्ति हो, वो उपभोग करेगा ही करेगा, वो निवेश करेगा ही करेगा, उत्पादन करेगा ही करेगा। ये सारी की सारी आर्थिक क्रियाएं हैं। आर्थिक क्रियाओं को करने के लिए एक सिस्टम चाहिए, यानी कि आप अगर उपभोग करना चाहते हो तो जो वस्तु, जो सामान उपलब्ध होगा, क्या उसको बाजार शक्तियां उपलब्ध कराएंगी या सरकार उपलब्ध कराएगी, यानी कि कौन सी प्रणाली ऐसी होगी जिसके माध्यम से आपको वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा। जैसे भारत की बात करें, मान लीजिए मुझे दूध की जरूरत है। अब सरकार दूध दूध बेचती नहीं है भाई, सरकार का काम है रोड उपलब्ध कराना, सरकार का काम है शिक्षा में योगदान देना। सरकार के अलावा प्राइवेट सेक्टर भी शिक्षा का प्रदान करेंगे, यानी कि सरकार दूध कौन प्रोवाइड कराएगा, शिक्षा कौन देगा, रोड कौन बनाएगा, किस नीति के तहत ये डिसाइड होगा कि किसको कौन सा सामान बनाया जाए। इसी को बोलते हैं आर्थिक प्रणालियां। यानी कि आर्थिक प्रणालियों का क्या मतलब है, आप यहां पे समझ लीजिए कि आर्थिक प्रणाली से तात्पर्य उन तरीकों से है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र में आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। अब आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है आपको पता ही है। उत्पादन एक आर्थिक क्रिया है, निवेश एक आर्थिक क्रिया है, उपभोग एक आर्थिक क्रिया है। तो इन आर्थिक क्रियाओं को किया तो जाएगा, लेकिन किस अर्थ क्षेत्र में, कौन सी व्यवस्था के थ्रू किया जाएगा। अब जो सिस्टम इंडिया में है किसी गुड्स को प्रोवाइड करने का, वो सिस्टम चीन में तो होता नहीं है। चीन एक साम्यवादी देश है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं, आपको मान लीजिए कोई भी वस्तु उपलब्ध चाहिए, अगर वो सरकार उसको कंट्रोल करने की कोशिश तो करती है, अगर मान लीजिए कोई हार्मफुल चीज है, लेकिन आमतौर पर आप देखोगे कि बाजार शक्तियां किसी चीज को उपलब्ध करा देती हैं। लेकिन जो चीज बाजार शक्तियां उपलब्ध नहीं करा पाती, या बाजार शक्तियां उतनी उपलब्ध नहीं करा पाती जितनी बाजार को आवश्यकता है, तो गवर्नमेंट का रोल आ जाता है। यानी कि गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र दोनों के दोनों रोल प्ले करते हैं। इसी तरीके से अमेरिका में होगा, वहां पे एक अलग प्रणाली होगी। तो आर्थिक प्रणाली का सिंपल सरल मतलब है कि आपकी जिस एरिया में रह रहे हो, जिस क्षेत्र में रह रहे हो, जिस भी पार्टिकुलर रीजन में रह रहे हो, वहां पे कौन सा सिस्टम काम करेगा, इसी को बोलते हैं आर्थिक प्रणाली। सिंपल सरल भाषा में कहा जाए तो आर्थिक प्रणाली से तात्पर्य उस तरीके से है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र में आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है, यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो चल रही हैं उन्हीं को हम कहते हैं आर्थिक क्रियाएं, तो आर्थिक प्रणाली। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आर्थिक प्रणाली समझ में आ गई होगी। मोटे तौर पर हम तीन प्रकार की आर्थिक प्रणालियां को लेकर चलते हैं। पहला है बाजार अर्थव्यवस्था, यानी कि एक तरीके का मार्केट मैकेनिज्म पर बेस्ड। दूसरा केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। कई लोग बाजार अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। बेसिकली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मार्क्स के द्वारा दिया गया वर्ड है। होता यह है कि जो बाजार अर्थव्यवस्था है अल्टीमेटली उसमें वही सारी विशेषताएं मिल जाती है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होती है, इसीलिए उसको कई बार हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है, मैं आपको सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाजार अर्थव्यवस्था बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए। बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार का क्या मतलब है, बाजार का मतलब है, यहां पे बाजार का मतलब है जहां पर हर चीज को मांग और पूर्ति की शक्तियां डिसाइड करेंगी। मांग और पूर्ति की शक्तियां, मांग और पूर्ति की शक्तियां, यानी कि जिस भी चीज को बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियां निर्भर कर रही हैं, उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर सभी आर्थिक निर्णय, कौन सी वस्तु बनेगी, कितनी मात्रा में बनेगी, कौन बनाएगा, कैसे उपलब्ध कराएगा, वो सारी की सारी बातें बाजार शक्तियों को छोड़ दिया जाता है। सरकार केवल रक्षा प्रशासन तक ही सीमित रहती है। यानी कि भारत में तो रेल चला रही है भारत सरकार, लेकिन अगर आप मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की बात करोगे तो वहां पे कोई निजी कंपनी एरोप्लेन बनाएगी, निजी कंपनी फाइटर प्लेन बनाएगी, सरकार उसको सपोर्ट करती है, लेकिन पूरी तरीके से मार्केट मैकेनिज्म पर छोड़ दिया जाता है। यानी कि मार्केट मैकेनिज्म इतना शक्तिशाली होता है, मार्केट मैकेनिज्म इतनी पावरफुल तरीके से काम करता है कि किसी भी तरीके से इकोनॉमी में किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं करती है गवर्नमेंट। तो इसको बोलते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था वो हो गई जिसमें जितने भी आर्थिक निर्णय हैं, जितने भी उत्पादन से संबंधित निर्णय, जितने भी निवेश संबंधी निर्णय हैं, वो सभी के सभी मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं। गवर्नमेंट उस अर्थव्यवस्था में किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं करती है। यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां पर सभी आर्थिक क्रियाएं, यानी कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं,
उनका निर्धारण बाजार की शक्तियों के द्वारा होता है, यानी कि मांग और पूर्ति की शक्तियां निर्धारित करती हैं कि वस्तु की कीमत क्या होगी। सरकार का रोल उसमें बिल्कुल भी नहीं होता, डायरेक्टली तो कम से कम नहीं होता। हालांकि गवर्नमेंट, क्योंकि देखिए हर जगह एक तरीके से पॉपुलर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को वोट लेने, तो इनडायरेक्टली तो वो हस्तक्षेप करती है। गवर्नमेंट के निर्णय भी लॉबिंग के द्वारा मार्केट प्रभावित करता है, लेकिन बेसिकली जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी निर्णय हैं, आर्थिक निर्णय हैं, वो सारे के सारे मांग और पूर्ति द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। और ऐसी अर्थव्यवस्था का जो मूल उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है, क्योंकि लाभ की जो भावना है वो सभी आर्थिक क्रियाओं का मूल है। देखिए, दूध वाला दूध आपको बेचने आता है, सब्जी वाला सब्जी आपको सुबह सुबह देने आ रहा है, इसका मूल क्या है? इसका मूल है लाभ की भावना। क्योंकि यह माना जाता है कि जब प्रत्येक व्यक्ति लाभ के लिए काम करेगा तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन जो है वो बहुत मैक्सिमम होगा, क्योंकि अधिकतम लाभ का मतलब है अधिकतम उत्पादन। और अधिकतम उत्पादन, विश्व के अधिकांश देशों ने यह मान के चले थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाएगी, लेकिन बाजार अर्थव्यवस्था समाप्त नहीं हुई। बाजार अर्थव्यवस्था ने खूब फली फैली, यूरोप के देशों में खूब उन्होंने समृद्धि पाई। इसका एक मूल कारण स्वतंत्रता भी है, क्योंकि जो बाजार अर्थव्यवस्था है वो स्वतंत्रता की बात करती है। तो यहां पर हमें समझना है कि इसका जो मूल उद्देश्य है वो लाभ कमाना है। अमेरिका हो, इसके अलावा जापान हो, इसके अलावा इंग्लैंड हो, ये सारी की सारी बाजार अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। यानी कि यहां पे संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं, जितने भी एक्टिविटी हो रही है, जितने भी उत्पादन हो रहे हैं, जितना भी निवेश क्रियाएं हो रही हैं, वो सभी के सभी बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि मांग और पूर्तियों पर ही डिपेंड करती है। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, फ्री इकोनॉमी है, मतलब आपको जो भी चाहिए सब कुछ आपको मिलेगा। मार्केट में आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा और उसके बदले आप सामान ले लोगे। वहां पर किसी भी तरीके से मार्केट फोर्सेस को गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती है। कुछ इसकी विशेषताएं भी हैं, जैसे आर्थिक असमानता आपको देखने को मिलेगी, कुछ लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। आर्थिक असमानता के अलावा सामाजिक असमानता भी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितनी आर्थिक असमानता है, विकसित देशों में, कई विकसित देशों में जहां पे पूंजीवाद है, उससे ज्यादा आर्थिक असमानता है। क्योंकि संपत्ति का केंद्रीकरण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की या बाजार अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी विशेषता है। अब होता क्या है, देखिए इंडिया में तो आपको बहुत सारी किराने की दुकानें मिल जाएंगी, लेकिन बहुत सारे देशों में वॉलमार्ट चल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों ने ही पूरा का पूरा साम्राज्य बना लिया है। गूगल जो है वो इतनी बड़ी कंपनी बन गई है कि सॉफ्टवेयर, देखिए बोलती गूगल ये है कि वो एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, लेकिन आप जानते हो कि हर मोबाइल में उसका सॉफ्टवेयर है। तो इस तरीके से देखने को मिलेगा कि बाकी की सारी कंपनियों को वो एक तरीके से खा जाएगी। अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, कुछ ही कंपनियां पूरी की पूरे इकोनॉमी को पे पावरफुल हो जाएंगी। और इस तरीके का सिस्टम जो है वो आर्थिक और सामाजिक असमानता को लेकर आएगा। इसके अलावा यहां पे निजी संपत्ति का अधिकार होता है और विरासत का अधिकार होता है, यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों को स्वतंत्रता होती है कि वो जितनी चाहे संपत्ति इकट्ठी करें और उस संपत्ति को अपनी आने वाली पीढ़ी को दे दें। दोनों ही बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब लोगों को लगेगा कि भाई जो वो कमा रहे हैं उनकी संपत्ति एक समय के बाद अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, तो लोग पैसे ही नहीं कमाने में इंटरेस्टेड होंगे। लोग पैसे कमाने में इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका जो बिजनेस जो वो ग्रो कर रहे हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी जिन्होंने वो खरीदी है, वो अल्टीमेटली उनकी नेक्स्ट जनरेशन को चली जाएगी। बाजार अर्थव्यवस्था में सहूलियत होती है कि एक पीढ़ी अपनी संपत्ति को अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर सके। ऐसा सुविधा आपको किसी और तरीके के मार्केट सिस्टम में देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा बच्चों यहां पे स्वतंत्रता होती है, रहने का अधिकार स्वतंत्र है, करने का उत्पाद स्वतंत्र है, आपको जो करना है वो करो, मतलब उत्पादन करने पर किसी तरीके की रोक नहीं है। सरकार आपको बहुत सारी सुविधाएं देती है लेकिन स्वतंत्रता होती है, मतलब आपको निवेश संबंधी निर्णय, उत्पादन संबंधी निर्णय, बाजार संबंधी निर्णय स्वयं लेने पड़ते हैं। गवर्नमेंट का किसी भी तरीके से कोई इंटरफेयर इस तरीके की इकोनॉमी में देखने को नहीं मिलता, तभी ये इकोनॉमी इतनी ग्रो कर पाती है। इसके अलावा मुक्त प्रतियोगिता होती है। देखिए हालांकि मुक्त प्रतियोगिता एक वर्ड दिया गया है, वास्तव में आप देखोगे तो बड़ी बड़ी कंपनियों का पूरी तरीके से यही प्रयास रहता है कि वो किसी तरीके से मोनोपोली कर लें, लेकिन बाजार अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है वो मुक्त बाजार है। इसका मतलब कोई भी नई कंपनी मार्केट में आ सकती है, किसी भी तरीके का ऐसा कोई भी लीगल प्रतिबंध कंपनियों पे नहीं होता, बल्कि कई सारे देशों में तो मोनोपोली क्रिएट करने पर कई सख्त कानून है। इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो इंडिया में भी
जो प्रतियोगिता आयोग है वो कंपिटेटिव कंपटीशन कमीशन वो कई तरीके के मोनोपोली को रोकता है, यानी कि क्रिएट करने से रोकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सरकार की सीमित भूमिका होती है, सरकार का जो रोल है वो मार्केट मैकेनिज्म में तो नहीं होता, लेकिन सरकार जो है वो सीमा सुरक्षा में, प्रशासन में, पॉलिसी मेकिंग में तो रोल प्ले करती है, लेकिन मार्केट मैकेनिज्म में किसी भी तरीके से रोल प्ले नहीं करती है। और इसके अलावा कीमत तंत्र प्रणाली, कीमत तंत्र तो हम समझ सके कि इसमें क्या उत्पादन किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कितनी मात्रा में किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था में सभी के सभी निर्णय पूंजीवाद मांग और पूर्ति की शक्तियां ही लेती हैं। तो दोस्तों कई लोग कंफ्यूज हैं कि भाई क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था एक ही है, तो मैं आपको बता देता हूं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कई बार बाजार अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था को कई बार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, उसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज है, लेकिन कुछ मूलभूत अंतर है। देखिए एक ही चीज के दो नाम है आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ही गुण है बाजार अर्थव्यवस्था, यानी कि जहां पे स्वतंत्रता नहीं होगी वहां पर संपत्ति का केंद्रीकरण होगा ही नहीं। तो बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो मूल अंतर है वो आप समझ लीजिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ध्यान संपत्ति के अधिकार से है, यानी कि पूंजीवादी का मतलब है कि कुछ ही लोगों के हाथ में संपत्ति आ गई है, उसको पूंजीवाद बोलते हैं, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था का मतलब है कि आप मार्केट में फ्री होके एक्सचेंज कर पा रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज का या संपत्ति का। इसके अलावा निजी उत्पादकों का वर्चस्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, यानी कि कुछ ही उत्पादक बड़े बड़े बन जाते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था प्रतियोगिता पर बल देती है। तो बेसिकली आपको यह समझना है कि अर्थव्यवस्था में जो बाजार अर्थव्यवस्था है वो मुक्त अर्थव्यवस्था है, वहां पर सभी प्रकार के निर्णय मांग और पूर्ति की शक्तियां लेती है, ऐसा मान के चला जाता है। अगली अर्थव्यवस्था की बात करें तो अगली अर्थव्यवस्था की बात हम कर रहे हैं उसको बोलते हैं केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। यह बाजार अर्थव्यवस्था के बिल्कुल विपरीत है। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का जो पदाधिकारी, मान लीजिए ये एक पदाधिकारी है, ये कोई पदाधिकारी है, इसने क्या किया, टीम बना ली अपनी, कुछ लोगों की टीम बना ली, और वो टीम जो है वो आर्थिक निर्णय लेगी, आर्थिक निर्णय लेगी, यानी कि इस टीम के आर्थिक निर्णय पर ही डिसाइड होगा कि इकोनॉमी किस तरीके से मूव करेगी, यानी कि कितनी वस्तु का उत्पादन किया जाएगा, कितनी मात्रा में किया जाएगा, किसके लिए उत्पादन किया जाएगा, वितरण किस तरीके से होगा, ये सभी निर्णय आर्थिक पदाधिकारी यानी कि जो निर्णय है इसको बोलते केंद्रीय अधिकारी ये लेता है। यानी कि इसके अंतर्गत इमेज में देख सकते हो सभी प्रकार के बिजनेसेस को गवर्नमेंट स्टेट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी कि आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण होता है, स्वतंत्रता की जो भावना है वह यहां पे नहीं होती, क्योंकि यह मूल रूप से माना जाता है कि अगर कुछ लोगों को स्वतंत्रता दे दिया जाएगा तो संपत्ति का केंद्रीकरण होगा, यानी कि संपत्ति कुछ ही लोगों के हाथ में इकट्ठी होकर रह जाएगी, और संपत्ति का केंद्रीकरण रोकना है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर संपत्ति का केंद्रीकरण हो जाएगा तो वर्ग संघर्ष पैदा होगा, लड़ाई झगड़े पैदा होंगे, असमानता पैदा होगी। कई देश का निर्माण ही इसीलिए हुआ क्योंकि वहां पे राजतंत्र था, राजा के द्वारा शोषण किया गया, इसी के विरोध में तो समाजवाद पैदा हुआ। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था या कमांड अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट कमांड करती है और इसके अंदर जो निर्णय लेती है वो सरकार लेती है, सरकार का केंद्रीय अधिकारी लेता है, केंद्रीय नियंत्रण नीतियां लेता है, और बाजार शक्तियों को उन्हीं के द्वारा, यानी कि बाजार शक्तियों की कोई भूमिका होती नहीं है इसमें, और जो भी निर्णय होता है आर्थिक क्रियाओं से संबंधित वो निर्णय केंद्रीय अधिकारी लेता है, और उसका जो मूल में होता है वो होता है जन कल्याण करना या अधिकतम सामाजिक कल्याण को प्राप्त करना, क्योंकि इस तरीके के देशों में ये माना जाता है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण को सरकार के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। स्वतंत्रता होती नहीं है इन देशों में, आपको कई तरह की, कई बार तो ऐसे देशों में बोलने की स्वतंत्रता भी नहीं होती, विचार रखने की स्वतंत्रता भी नहीं होती है। इसके कुछ विशेषताओं की बात करें तो सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका, जैसा कि आप जानते हो जितने भी देश हैं, आप बहुत सारे देशों के नाम आप ले सकते हो, चाहे रूस हो चाहे चीन हो, इन तमाम देशों में इसी तरीके की अर्थव्यवस्था है जहां पर जितने भी आर्थिक निर्णय हैं वो केंद्रीय पदाधिकारी लेते हैं, यानी कि क्या उत्पादन किया जाएगा, कैसे उत्पादन किया जाएगा, किसके लिए उत्पादन किया जाएगा, अर्थव्यवस्था में वितरण कैसा होगा, ये सभी निर्णय जो है, आर्थिक विकास के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाएगा, ये सभी निर्णय समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार ही लेती है। और जैसा कि हमने आपको बताया, ऐसी अर्थव्यवस्था का जो मूल है वो है अधिकतम लाभ को प्राप्त करना, यानी कि अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्त करना, कल्याण को प्राप्त करना। तो ऐसी अर्थव्यवस्था कल्याण के लिए काम करती है, इनका मूल होता है अधिकतम सामाजिक कल्याण को प्राप्त करना।
प्रतिस्पर्धा का अभाव, ऐसे जगह पर प्रतिस्पर्धा नहीं होती, सरकार द्वारा लाइसेंस अलॉट किए जाते हैं, वही लाइसेंसधारी कंपनी उत्पादन करेगी, कोई और कंपनी उत्पादन नहीं करेगा, प्रतियोगिता का यहां पे अभाव होता है, स्वतंत्रता का यहां पे अभाव होता है। साथ ही साथ व्यक्तियों को संपत्ति इकट्ठी करने की सीमा होती है, इसके अलावा उत्तराधिकार का नियम होता है, लेकिन सरकार बहुत बड़ी मात्रा में धन का संग्रह करती रहती है, धन ले लेती है जब आप उत्तराधिकार में पैसा ट्रांसफर करते हो। इसके अलावा उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व होता है, यानी कि ऐसे जैसे भूमि जो है वो राज्य की होगी, इसके अलावा उत्पादन के जितने भी साधन हैं, कंपनियां हैं, वो सरकार के अधीन मानी जाती हैं। और आय की असमानता यहां पे निम्न होती है, क्योंकि सरकार का पूरा प्रयास होता है कि जो भी लोग समान कार्य कर रहे हैं उनको समान इनकम दी जाए, इसीलिए जो ज्यादा एफिशिएंट व्यक्ति होगा वो कम काम करेगा। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को एफिशिएंसी के साथ काम करवाना है तो उसको आपको ज्यादा पैसे देने ही पड़ेंगे, अदरवाइज वो एफिशिएंसी के साथ काम करेगा नहीं। तो एफिशिएंसी के लिए स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये स्वतंत्रता मिलती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में या केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में ये स्वतंत्रता नहीं मिलती है, इसीलिए इस तरीके के देशों में संपत्ति की असमानता पाई जाती है। तीसरी हम बात करें मिश्रित अर्थव्यवस्था की, तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत जब आजाद हुआ 1947 में, तो भारत के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो पूरी तरीके से समाजवाद की तरफ जा सके, यानी कि पूरी तरीके से वो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था बन सके। इसीलिए अगर आप भारत की शुरुआती आर्थिक नीतियों को देखोगे तो भारत का झुकाव ज्यादातर जो रहा है वो समाजवाद की तरफ रहा है, यानी कि सरकार का रोल ये रहा कि गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा रोल प्ले करे, क्योंकि भारत जो है वो रूसी अर्थव्यवस्था से, शुरुआती दौर में रूसी अर्थव्यवस्था से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा, लेकिन ना ही सरकारी क्षेत्र के पास इतना पैसा था, ना ही निजी क्षेत्र के पास इतना पैसा था, इसीलिए भारत के द्वारा एक पॉलिसी अपनाई गई और इसको हम बोलते हैं जो नीति को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि इस अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। सरकार जहां सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए काम करती है, वही निजी क्षेत्र जन कल्याण के लिए, सॉरी, अधिकतम लाभ के लिए काम कर रहा होता है, और बाजार शक्तियां काम करती हैं अलग से, और बाजार शक्तियों को कंट्रोल करने का काम सरकार करती है। यानी कि इसके अंतर्गत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो विशेष जो लाभ है, खूबियां हैं, वो भी होती हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था के जो लाभ है वो भी होते हैं, और दोनों की हानियां भी होती हैं। यानी कि एक तरीके से मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था दोनों मिलकर एक साथ काम करती हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में हमने आपको बताया, इसका सहअस्तित्व होता है, साधनों पर अधिकार सरकार जो है उसका भी अधिकार होता है और निजी क्षेत्र का भी अधिकार होता है। सरकार की भी कंपनियां होती है, निजी क्षेत्र की भी कंपनियां होती है, सरकार भी स्कूल प्रोवाइड कराएगी, निजी स्कूल भी लोग प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि सरकार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि सरकार सभी तरीके के स्कूलों को प्रोवाइड कर सके, इसलिए निजी क्षेत्र के स्कूल आ गए। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निजी क्षेत्र के स्कूलों में फीस ही अफोर्ड नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट आ गई। यानी कि मार्केट मैकेनिज्म हर जगह काम नहीं करता है, यहां पे गवर्नमेंट का रोल भी होता है। इसके अलावा स्वतंत्रता और नियंत्रण, देखिए सरकार जो है वो स्वतंत्रता देती है, साथ ही साथ नियंत्रण होता है। अब जैसे मान लीजिए मैं कोर्स बना रहा हूं, अब मेरी फीस कितनी होगी, कितने स्टूडेंट को मैं पढ़ाऊंगा, किस तरीके के माहौल में पढ़ाऊंगा, ये सभी आर्थिक निर्णय लेने की अधिकार मेरा है, लेकिन सरकार का रोल होता है कहीं उपभोक्ता के हितों की कोई अवहेलना ना हो रही हो। तो ये सारे, यानी कि एक तरीके से इकोनॉमी में स्वतंत्रता भी होती है और गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने समझा कि हम इकोनॉमी में किस तरीके से डिवीजन कर सकते हैं आर्थिक प्रणालियों के आधार पर। आगे हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे।